नमस्कार दोस्तों, आज मैं गाड़ी के HVAC असेंबली के बारे में बात करूंगा। HVAC की फुल फॉर्म होती है हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग, ठीक है जी। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा ये नॉब ब्लोअर का और आपका AC का, फ्रॉम कूलिंग टू हीटिंग सर्कुलेशन जो एयर का होता है केबिन में, और ये AC का। अब देखिए, मैंने गाड़ी चालू कर दी है और न्यूट्रल में गाड़ी खड़ी हुई है, और देखिए आप RPM देख लीजिएगा, एक से नीचे। अब मैं चालू करने वाला हूँ AC, सबसे कूलेस्ट पे है ये पॉइंट, देखिए आप आराम से। मैंने चालू कर दिया अब AC, एक सेकंड, क्योंकि आपको ब्लोअर पहले ऑन करना पड़ेगा इसमें। ये मैंने कर दिया AC चालू। अब देखिए थोड़ा सा झटका महसूस हुआ था गाड़ी में। अब देखिए आप इधर देखते रहिएगा RPM पे, और मैं AC ऑफ करूंगा दोबारा। देखिए ऑन ऑफ में RPM पे देखिए फर्क देखिएगा, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो। अभी कूलेस्ट मोड में नॉब है, फिर से मैं अब AC को ऑफ करता हूँ, देखिएगा। अब मैंने AC ऑफ कर चुका हूँ, ठीक है जी। और ये मैंने AC ऑन कर दिया, तो थोड़ा RPM में फर्क आता है। आप सिग्निफिकेंट एकदम ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि सिग्निफिकेंट एकदम चेंज हुआ। अब देखिए मैं AC का जो कूलिंग से थोड़ा कूल की तरफ ले जाता हूँ, यानी कि कूलिंग टू हीटर वाला जो नॉब है उसे थोड़ा रोटेट करता हूँ कूलिंग जोन में ही। आप इधर देख लीजिए, अब ये मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर किया, आप इधर देखिएगा। अब मैं इसी को रोटेट करता रहूंगा, आप ये देखिएगा RPM में कोई चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए आपका RPM बिल्कुल बिल्कुल भी हिला नहीं सुई, इसका मतलब है कि आप जब इधर से इस जगह ले जा रहे हैं तो RPM में बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। कंप्रेसर अपना एक फिक्स यानी कांस्टेंट में काम कर रहा है। और अब मैं देखिए ब्लोअर स्पीड का भी दिखा देता हूँ कि ब्लोअर स्पीड से कुछ RPM पे चेंज हो रहा है क्या नहीं। देखिए ब्लोअर स्पीड मैंने बढ़ाई तो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। देखिए मैं ऑफ कर देता हूँ, ये चेंज इसलिए हुआ क्योंकि उसमें AC ऑफ हो गया था। अब मैं स्पीड आपकी 1, 2, 3, 4 में रोटेट करूंगा ब्लोअर को। कोई चेंज नहीं महसूस हुआ मुझे यहाँ पे, बिल्कुल भी सुई आपकी हिली नहीं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं, देखिए ये टाटा की गाड़ी है, वो भी टियागो मॉडल। तीसरे चौथे में यदि मैं ब्लोअर की स्पीड ले जाता हूँ तो ये एकदम तूफानी पंखा होता है ना जो शादियों में लगता था पहले, वो हालत कर देता है। एकदम ब्लो बहुत जोर से आता है, इसका थ्रो बहुत ज्यादा है। चलिए ये तो बात हो गई कंडीशन के बारे में। अब देखिए ये कूलेस्ट पे कर रखा है, फैन की स्पीड 1 कर रखी है, और ये आपका जो थ्रो आ रहा, ये जो हवा आ रही है सीधे फेस पे आ रही है पैसेंजर के, और ये सर्कुलेशन मोड है, यानी कि कूलिंग एयर जो हो जाती है इस केबिन की उसी को दोबारा ये यूज कर रहा है, उसी को दोबारा फेंक रहा है। तो ये बाहर की हवा को बिल्कुल नहीं रहा नहीं लेता है। अब देखिए यदि मैं इसे ऑन कर दूंगा तो ये बिल्कुल बाहर की हवा नहीं ले रहा है, यदि मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो ये बाहर से भी हवा लेता है और उसे ठंडा करके केबिन की तरफ फेंक रहा है कूलिंग मोड में। और देखिए मैंने आपको समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया है, तो आप इस पे एक मिनट में से सही जगह रख लो। देखिए लो टू हाई ब्लोअर जो मैंने इधर लिख रखा हुआ है, तो देखिए ये है गाड़ी में इस जगह ब्लोअर, ठीक है जी। अब ये एवोपरेटर है, यानी कि आप AC ऑन करेंगे तब ये फंक्शन में आता है। एवोपरेटर को कैसे ऑन होगा, यानी कि ये पूरी देखिए इसमें पूरा AC का होता है, एवोपरेटर, कंप्रेसर और कंडेंसर, एक्सपेंसर वॉल्व। तो ये देखिए ये है, ये इस बटन से रेगुलेट होता है। अब हम आगे चलते हैं हीटिंग कॉइल पे, तो हीटिंग कॉइल तो आपको नजर इधर आएगी नहीं।
हीटिंग कॉइल ये होता है सेकेंडरी रेडिएटर आप इंजन का कह सकते हैं। ये कूलेंट को जो इंजन से गर्म आता है, क्योंकि इंजन में हीटअप होती है तो जो उसके स्ट्रक्चर में हीट गई है उसको आप कैसे रिमूव करेंगे, तो आप उसमें क्या करते हैं, आप कूलेंट गाड़ी का जाता है उसका कुछ पोर्शन आपकी हीटिंग कॉइल में आता है, ठीक है जी। अब ये हीटिंग कॉइल के बाद आप ये देख रहे होंगे फ्लैप, ऊपर आपका टू विंड स्क्रीन, टू पैसेंजर फेस, टू ड्राइवर के नीचे पांव की तरफ जा रहा है वो ये है, ये इस तरफ है। देखिए ये फेस पे, ये पांव और आपके सीधे हवा आ रही है, ये पांव पे हवा आ रही है, और आखिरी में आप देखेंगे ये विंड स्क्रीन पे जा रही है। तो जो विंड स्क्रीन की तरफ जाती है तो वो क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट आपकी बाहर की हवा लेता ही लेता है। देखिए अब तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि एसी ऑन करने पे आपका थोड़ा आरपीएम चेंज हो रहा है। अब मैं इसकी फंक्शनिंग बता देता हूं। देखिए आप, एक सेकेंड आउट ऑफ फोकस हो रहा है, आपने इसको ऑफ पोजीशन पे कर रखा है, इसका मतलब ये हुआ, इसे ठीक जगह रख लूं जी, ये देखिए इसे आपने ऑफ पोजीशन पे कर रखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्लैप जो ए है वो इस जगह है, तो जो आपकी जो हवा आ रही है वो आउटसाइड ले रहा है ये ब्लोअर, ठीक है जी। और यदि मैं इसे चालू कर दूंगा इस जगह, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ए फ्लैप की पोजीशन चेंज हो गई है, ए फ्लैप इस तरफ आ गया है और ये पैसेज जो है केबिन एयर का दोबारा ये खुल चुका है। अब ये तो बात हमारी ये क्लियर हो गई इस पॉइंट से कि इसका फंक्शन क्या है और ये कैसे इधर काम कर रहा है। अब आती है ब्लोअर की बात, तो ब्लोअर ये रहा 1 2 3 4, ये फैन ही है ब्लोअर फैन, जो जितना तेज घूमेगा उतना थ्रो ये पीछे की तरफ फेंकेगा बहुत ही हाई कैपेसिटी से। तो ये लो टू हाई है, यहाँ पे भी लो टू हाई है, लो टू हाई, ठीक है जी। तो ये कंटिन्यूस रोटेट करेगा यदि आप हीटिंग करें या कूलिंग मोड में ले जाएं, और जब आप इसका बटन ऑन करते हैं तब। अब आता है इवोपरेटर, तो ये आप ये मान लीजिए कि एक्सपेंशन वॉल्व से आपका और टू कंप्रेसर से ये कनेक्ट रहता है, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो ये मान लीजिए उसके लिए पूरा वीडियो पार्ट टू ही बनाना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए कि ये हीट जो है आपकी एयर में वो उसको ले लेता है और उस चीज़ को ये ठंडा करता है, ठीक है। अब हम चलेंगे इस पोजीशन पे, बी फ्लैप पे, फ्लैप फॉर मिक्सिंग एज पर पैसेंजर नीड, और सी फ्लैप पे, ठीक है जी। तो इसका ये है, ये फ्लैप रेगुलेट करता है, ये देखिए ये सबसे कूलेस्ट मोड हो गया, अब डिक्रीज होते हुए कूल पे गए, और यहाँ पे गर्म और सबसे ज्यादा गर्म हवा, ठीक है। अब हम एसी ऑन कर दिए हैं और मान लीजिए हमने केबिन एयर लिया, तो ये फ्लैप इधर आ जाएगा, केबिन एयर ब्लोअर गया, ब्लोअर की तरफ, ब्लोअर ने हवा फेंकी एवोपरेटर पे, एवोपरेटर पे हवा ठंडी हुई आपकी। अब देखिए कूलिंग मोड में क्या होता है कि हमें हीटिंग तो चाहिए नहीं, तो ये बी फ्लैप पूरा इधर आ जाता है नीचे, इसे बंद कर देता है, और सी फ्लैप खुला रहता है। तो यहाँ से ठंडी हवा होती हुई है इस तरफ आई। अब आप ये डिजायर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सीधे फुट पे चाहिए कि आपके सीधे फेस की तरफ की विंड स्क्रीन, ये इस नॉब से आप ये रेगुलेट करते हैं, ठीक है जी। अब कंडीशन ये आती है कि नहीं, अब हमें कूल, सबसे कूल से नहीं, इस मोड में जाना है, आपने इसे रोटेट कर दिया ये, क्योंकि मैनुअल एसी है तो ये मैनुअली फ्लैप चल रहे हैं इधर। फिर से हम मान के चलते हैं केबिन एयर हम यूज कर रहे हैं, ब्लोअर ने हवा दोबारा फेंकी एवोपरेटर कॉइल के ऊपर। अब क्या हुआ, इसको रोटेट करने से ये बी फ्लैप फंक्शन में आया है, ये इधर भी जा सकता है और बीच में भी ले सकते हैं, ये नॉब इसको रेगुलेट कर रहा है। तो यदि हम इसको ऊपर कर देंगे तो इसमें जो पैसेज है इधर से इधर वाला ये खुल गया हीटिंग कॉइल के लिए। तो यहां से ठंडी हवा आई, कुछ ठंडी हवा सीधे ऐसे निकल गई, कुछ ठंडी हवा इसके संग मिक्स होते हुए आपकी विंड स्क्रीन, पैसेंजर फेस और पांव की तरफ आ रही है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, अब जैसे मान लीजिए आप ठंड का मौसम है, आपको एसी की तो जरूरत नहीं है, तो आप एसी का बटन ऑन मत कीजिएगा, ये वाला, ठीक है जी। अभी आपने ऑन नहीं किया तो यहाँ पे ये सीधे एक पैसेज बन गया, यानी कि ये दीवाल है जिसमें से हवा फ्लो होती रहेगी ब्लोअर यदि चल रहा है तो। अब इसमें हमने क्या करा, हमने आउटसाइड लेयर ली, तो हमने ए फ्लैप को, ए फ्लैप यहाँ से होगा आपका,
आपने इस बटन को दबाया तो ए फ्लैप क्या करेगा, केबिन एयर को बंद कर देगा, आउटसाइड आपने एयर लेना शुरू कर दी, ब्लोअर चल रहा है, आपने एसी ऑन नहीं किया है, तो ये बस हवा यहाँ से डायरेक्ट होती हुई चली जाएगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब ये हीटिंग कॉयल है तो ये आप जानते हैं कि ये जो कूलेंट है इंजन की तरफ से आया गर्म, उसको वो ठंडा कर रहा है, तो उसकी हीट ये हीट एक्सचेंजर की तरह काम कर रहा है इस जगह, तो जो भी हवा इसके ऊपर से होकर जाएगी वो गर्म हो जाएगी। अब ये हमने बोला है कि हमें गर्म हवा चाहिए, तो उस कंडीशन में ये फ्लैप थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से हवा ऐसे भी जा सकती है, नीचे की तरफ से भी जा सकती है, ठीक है जी। अब हम कहते हैं कि नहीं, हमको पूरी गर्म हवा चाहिए सर्दी के मौसम में, तो फिर से आउटसाइड लेयर हमने ली, एयर ब्लोअर पे हुई, ब्लोअर की स्पीड आप वेरी कर सकते हैं, इसका कोई काम नहीं है इस वक्त, ये फ्लैप सबसे ऊपर पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ से गर्म हवा होते हुए इसको आप बंद कर दीजिए, यहाँ से गर्म हवा होते हुए इधर इधर और इधर आ जाएगी। ये स्टीयरिंग व्हील इसलिए इंडिकेट किया है कि जिससे कि आपको पोजीशन मालूम चल सके कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। और ये पूरा जो मैंने डायग्राम बनाया है ये साइड व्यू से बनाया है, ये टॉप व्यू का डायग्राम नहीं है। तो इससे हमें समझ में आया है कि जो एसी की कूलिंग बहुत ही ठंडा चाहिए होता है, तो उसमें हम हीटिंग कॉइल को कवर करते हैं फ्लैप से, और यदि हमें थोड़ा ठंडा कम चाहिए तो उसमें हम हीटिंग कॉइल के लिए एरिया खोल देते हैं जिसमें कि ठंडी और गर्म हवा मिक्स होती रहती है। और यदि हमको पूरी ठंडी हवा चाहिए, गर्म हवा चाहिए, तो इसमें एवोपरेटर का जो फंक्शन हम उसे बंद कर देते हैं, और इस फ्लैप से हम रेगुलेट करते रहते हैं गर्म हवा टू मैक्सिमम गर्म हवा, ठीक है जी। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमारा जो HVAC असेंबली है कैसे वर्क करती है, और ये पूरा डैशबोर्ड में इधर से लेकर इस पीछे तक इसमें कवर है ये पूरी। पहले मुझे भी बहुत कंफ्यूजन हुआ था, फिर थोड़ा पढ़कर समझकर ये मैंने वीडियो बनाने की सोची, और यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और वैसे कोई चीज़ समझाने की बात इसमें अब बची नहीं है। और देखिए ये जो फ्लैप हैं ये रेगुलेट 1, 2, 3 वो इधर से हो रहे हैं। यदि मुझे पैसेंजर फेस की तरफ चाहिए था, इसको मैं बंद रखूंगा, इसको बंद रखूंगा, सीधा हवा इधर से होकर जाएगी। यदि मुझे पांव की तरफ और सीधे फेस की तरफ चाहिए तो इसे हाफ हाफ इसे ओपन रखूंगा, ये बंद रहेगा। और यदि मुझे पूरा विंड स्क्रीन पे चाहिए तो इसको क्लोज और इसे ओपन कर दूंगा। तो ये सिस्टम है इस गाड़ी में। अब देखिए यहाँ पे जो हीटिंग कॉइल है उसका दूसरा फंक्शन भी है, जैसे हम इसे सेकेंडरी रेडिएटर भी कहते हैं। तो ये मान लीजिए कि बाई डिफॉल्ट कि आपका प्राइमरी जो रेडिएटर है वो ख़राब हो जाता है और गाड़ी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रही है, तो उस केस में क्या करें, आप चारों खिड़कियाँ नीचे कर दीजिए और ये वाला नॉब है आप हीटिंग पे ले जाइए और इसको पूरा ब्लोअर को फुल पे कर दीजिए, तो कुछ समय के लिए कि वो जो कूलेंट से जो हीट एक्सट्रैक्ट करेगा और आपके लिए इंजन को थोड़ा ठंडा करेगा। तो ये सेकेंडरी ऑप्शन रहता है कि यदि आपके संग कभी कोई ऐसी कंडीशन फंसी है। और मुझे समझ में आता है कि जो मैंने आज ये बताने की कोशिश करी है वो आपको सिंपल भाषा में समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।